Brown Jackson, the fashion heaven featuring an extensive range of men's, women's and wedding special lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, indo-western, three-piece, two-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti and modi jacket. You are welcome, Brown Jackson, men's women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193559193 9424999991. एक माह के भीतर तीसरी बार बढ़े घरेलू गैस सिलेंडर के दाम, 818 रुपए में मिल रहा है सिलेंडर। दाम बढ़ने पर बोले उपभोक्ता, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं। जीएसटी में विसंगति और ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ कैट के आह्वान पर व्यापारियों ने किया विरोध, जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और 1 मार्च से बस यात्रियों को लग सकता है महंगाई का झटका, सरकार ने दिए किराए में वृद्धि के संकेत, मध्य प्रदेश बस एसोसिएशन ने की हड़ताल निरस्त। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को घरेलू गैस के दाम फिर बढ़ा दिए हैं। प्रति सिलेंडर 25 रुपये बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बालाघाट में 818 रुपये हो गई, जबकि 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर 303 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। इसी तरह व्यावसायिक सिलेंडर के दाम 1900 रुपये के करीब पहुँच गए हैं। बढ़े हुए दाम 25 फरवरी से ही लागू हो गए। यह बढ़ोतरी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों सहित सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर पर भी समान रूप से लागू है, जिससे गरीब मजदूरों के साथ ही मध्यम वर्गीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। सर, बहुत महंगा होते जा रहा है दाम, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं गैस के, इनकी बहुत हाई फाई रेट बढ़ गया। को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती है? बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती है सर, गैस खत्म हो रही है तो चूल्हे बनाना पड़ रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया है। फरवरी माह में तीसरी बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इससे पहले 4 फरवरी को 25 रुपये और 15 फरवरी को 50 रुपये बढ़ाए गए थे। इस तरह 1 महीने में ही सिलेंडर के दाम 100 रुपये महंगे हो गए, जबकि दिसंबर के बाद से यह 150 रुपये महंगा हुआ है। बताया गया कि घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी सरकार ने खत्म कर दी है। बालाघाट में सभी उपभोक्ताओं को सिलेंडर की पूरी कीमत चुकानी पड़ रही है। किसी भी उपभोक्ताओं को अब सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे आम जन बढ़ती महंगाई से हताश नजर आ रहे हैं। सर, बताएंगे किस रेट में मिल रहा है आज सिलेंडर? 818 रुपये, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें बेरोजगारी हमारी वैसी बढ़ते जा रही है, जिसके कारण हमको इसमें से गैस लेने में बहुत तकलीफ जा रही है। पहले सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती थी, वो मिल रही क्या? नहीं, सब्सिडी कुछ नहीं आ रही, इसमें बंद हो गई है। बंद हो ठीक है। जीएसटी में विसंगति और ऑनलाइन व्यापार को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर व्यापारियों ने शनिवार को विरोध दर्ज कर प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कैट के जिला अध्यक्ष नितिन जैन ने कहा कि जीएसटी के नियम व्यापार हित में नहीं होने से व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर व्यापारी इसके प्रभाव में आने से मुनीम बन गए हैं, जो व्यापार कम लिखा पढ़ी में व्यस्त हो जाते हैं। जीएसटी पे सरकार कोई सुधार करती है, कोई अमेंडमेंट जाती है, तो सभी चीजों में कीमतें बहुत कम हो सकती है। पेट्रोल डीजल को भी सभी व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हैं, सभी को तकलीफें हैं, परेशानी है जीएसटी को लेकर। अब व्यापारी जो है व्यापारी नहीं रह गया, मुनीम बन गया सर। इतनी परेशानी है, बता रहा हूँ, लिखा पढ़ी सिर्फ एक ही काम। गौरतलब है कि 26 फरवरी को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी में विसंगति के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया था। चूंकि बालाघाट में कैट के महासचिव का निधन हो गया, इस वजह से जिले में व्यापार बंद करने का निर्णय स्थगित कर केवल विरोध स्वरूप जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बालाघाट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया, ज्ञानचंद काकरिया, कैट संरक्षक कैलाश माधवानी, मुरली बजाज, दिलीप कारडा, कुमार वाधवानी, सुनील छाबड़ा, भवानी शंकर टेकरीवाल, देवेंद्र पचौरी, विपिन कसार, यज्ञेश चावड़ा सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी और ऑनलाइन कारोबार की वजह से कारोबारियों को मानसिक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जीएसटी व्यापारियों के लिए सिर दर्द बन गया है। सरकार इसके बाद भी कोई निर्णय नहीं लेती है तो आगे कैट के निर्देशानुसार चरणबद्ध आंदोलन होगा। आज जिला प्रशासन को भारत सरकार के लिए ज्ञापन दिया गया है, जीएसटी की विसंगतियों को दूर हो इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, परंतु व्यापारी अभी भी सहजता से अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है। इसलिए बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ये सभी मांगों का समर्थन भी करता है। आगे जैसी भी लड़ाई होगी बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आपके साथ में। जब से जीएसटी आई है तब से व्यापारी इतना परेशान हो गया है, जीएसटी में जो विसंगतियां हैं उनसे इतना प्रताड़ित है और उसी के कारण पूरा रोष व्याप्त है। पिछले 2.5 साल से व्यापारी सिर्फ रिपोर्टें ही बनाने में लगा हुआ है अपना व्यापार छोड़कर, कि व्यापार करेगी अपनी रिपोर्टें ही बनाए। जब जीएसटी आया था उसमें 180 धाराएं थी और इन 180 धाराओं में 950 से ज़्यादा बार संशोधन हो चुके हैं। पर इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि जैसे व्यापारी कोई रिटर्न भर देता है, विवरण ही अपनी दे देता है, उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने का कोई विकल्प नहीं रखा गया। मध्य प्रदेश के बस यात्रियों को महंगाई का एक और झटका जल्द ही लगने वाला है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 1 मार्च से बसों का किराया बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक के बाद इस संबंध में निर्णय लिया गया। किराया कितना बढ़ेगा अभी यह तय नहीं है, लेकिन बस संचालक और यात्रियों की सहमति से किराया तय किए जाने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश बस ऑपरेटरों ने भी सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल को निरस्त कर दिया। मध्य प्रदेश बस एसोसिएशन की माने तो सरकार की ओर से किराया वृद्धि पर सहमति प्रदान की गई, जिसके बाद प्रदेश के सभी संभागों में होने वाली हड़ताल निरस्त हो गई है। सरकार बसों के किराए में 15-25% की बढ़ोतरी करने की तैयारी में जुट गई है। इस पर बस एसोसिएशन ने कहा है कि 25% किराया बढ़ोतरी होती है तो हम स्वागत करेंगे। डीजल के रेट में ही 25-26% की बढ़ोतरी हो गई है, किराए में भी इससे कम बढ़ोतरी मंजूर नहीं होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत सिंगल क्लिक के जरिए छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर की है। यह राशि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के खातों में भेजी गई। इसका प्रदेश के करीब 14,53,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रवृत्ति की राशि स्थानांतरित करने के बाद मुख्यमंत्री ने अलग अलग जिलों के छात्रों से चर्चा भी की। बालाघाट में समेकित छात्रवृत्ति योजना की राशि ट्रांसफर किए जाने पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजन हुआ, जहां छात्रों के साथ कलेक्टर दीपक आर्य सहित जिला शिक्षा अधिकारी व अन्य मौजूद रहे। करीना संस्कृत की बहुत अच्छी ज्ञाता है, श्लोक के माध्यम से अपना ध्येय बताएंगे। बताइए करीना जी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। जैसे कि सिंह के मुंह में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करता है, उसे भी उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। सर, हमारा भी ऐसा ही ध्येय है, हम आगे चल के सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ की खास पेशकश यात्रा वर्णन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बालाघाट जिले की सीमा से लगे एक ऐसे पर्यटन स्थल के बारे में जिसे कामुक मूर्तियों की वजह से छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। साथ में दिखाएंगे सरोदा जलाशय का वह दृश्य जो सूर्यास्त के दौरान इस क्षेत्र के पर्यटन को और भी आकर्षित करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भोरमदेव मंदिर के पास एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक मड़वा महल भी दर्शनीय स्थल में शुमार है।
घोरमदेव मंदिर से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में चौरा गांव के समीप एक प्रस्तर पर निर्मित पश्चिम अभिमुख शिव मंदिर है, जिसे मड़वा महल कहा जाता है। मड़वा महल को नागवंशी राजा और हयवंशी रानी के विवाह के स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय बोली में मड़वा का अर्थ विवाह पंडाल से जुड़ा है। मंदिर के बाह्य दीवारों पर कामुक मूर्तियां बनाई गई है। इन दीवारों पर चित्रित कामुक मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में दर्शाई गई है। यहां सारे आसन कामसूत्र से प्रेरित है, जो कि वास्तव में अनंत प्रेम और सुंदरता के प्रतीक के तौर पर देखे जाते हैं। यह सारे चित्रण कलात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहीं से 15 किलोमीटर की दूरी पर सरोदा जलाशय एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। बालाघाट की सीमा से लगे कवर्धा जिले में स्थित सरोदा जलाशय 11वीं सदी में स्थापित किया गया है। सूर्यास्त के शानदार दृश्य के साथ सरोदा जलाशय का दृश्य देखने लायक रहता है और यह एक सरकार की देखरेख में आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आप विभिन्न गतिविधियों का दृश्य सरोदा जलाशय के आसपास देख सकते हैं और इसका लुत्फ भी उठा सकते हैं।